आज का आजाद सिपाही अखबार आपने पढ़ा क्या? पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। नमस्कार, आजाद सिपाही के प्राइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह। आज के प्राइम की प्रमुख खबर कुछ इस प्रकार है। रघुवर दास के गढ़ में घिरे सरयू, पुलिस सुरक्षा में निकले बाहर। दूसरी खबर, चंदवा के नक्सली हमले में बाल बाल बचे भाजपा नेता सुबोध सिंह गुड्डू। तीसरी खबर, 10 लाख का इनामी नक्सली है 4 पुलिस कर्मियों का हत्यारा रविंद्र गंजू। चौथी खबर, चुनाव आयोग ने एमके दास को झारखंड का पुलिस पर्यवेक्षक बनाया। पांचवी खबर, हाविमो ने की और 15 प्रत्याशियों की घोषणा, सबा अहमद लड़ेंगे टुंडी से। छठी खबर, पूर्व आईपीएस अरुण उरांव भाजपा एसटी मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बने। आइए अब सुनते हैं खबर विस्तार से। जमशेदपुर के रघुवर नगर में शुक्रवार को मुख्यमंत्री रघुवर दास और सरयू राय के समर्थक भिड़ गए। जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले सरयू राय को वर्मा माइंस में विरोध का सामना करना पड़ा। रघुवर नगर में चुनावी प्रभार के दौरान रघुवर समर्थकों ने नारेबाजी करते हुए सरयू राय का जमकर विरोध किया। मौके पर सरयू राय रघुवर समर्थकों से घिर गए। देखते ही देखते विरोध इतना तेज हो गया कि पुलिस बुलानी पड़ी। इसके बाद सरयू राय को किसी प्रकार बाहर निकाला गया, पर दोनों के समर्थक देर तक उलझे रहे। बता दें कि पूर्व मंत्री सरयू राय बीजेपी का टिकट नहीं मिलने के बाद मुख्यमंत्री रघुवर दास के खिलाफ निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव में प्रचार के दौरान सरयू राय वर्मा माइंस स्थित रघुवर नगर पहुंचे थे। यहां उनके पहुंचते ही बीजेपी के समर्थकों ने सरयू राय के विरोध में नारेबाजी शुरू कर दी और वो बैक के नारे लगाने लगे। इस दौरान सरयू राय और रघुवर दास के समर्थकों में हल्की झड़प भी हुई। वर्मा माइंस थाना के पुलिस ने दोनों पक्ष को शांत कराया। बता दें कि रघुवर नगर में रहने वाले रघुवर दास के करीबी राम बाबू तिवारी रहते हैं, जिनके साथ सरयू राय का फेसबुक वार हो चुका है। हालांकि पूरे मामले पर सरयू राय ने अभी कुछ भी कहने से इनकार किया है, जबकि वर्मा माइंस थाना में इस घटना के संदर्भ में किसी भी पक्ष की तरफ से कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। अब नजर डालते हैं आज की दूसरी प्रमुख खबर पर। चंदवा के लुकैया मोड़ के समीप शुक्रवार की रात हुए नक्सली हमले में भाजपा नेता सुबोध सिंह गुड्डू भी बाल बाल बच गए। जब नक्सली पुलिस की गाड़ी पर हमला कर रहे थे तो उस वक्त भाजपा नेता की गाड़ी भी वहां पहुंची। इस पर भी नक्सलियों ने निशाना साधकर गोली चलाना शुरू कर दिया। एक गोली भाजपा नेता की गाड़ी की बॉडी में भी लगी, साथ ही नीचे की ओर 4-5 गोली लगने के निशान है। अब नजर डालते हैं आज की तीसरी प्रमुख खबर पर। चंदवा में पुलिस कर्मियों पर हुए हमले का मास्टरमाइंड रविंद्र गंजू 25 लाख का इनामी नक्सली है। कहा जाता है कि वह 3 जिलों की पुलिस के लिए सिरदर्द बन चुका है। वह अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। लातेहार जिले के चंदवा थाना क्षेत्र के हिसला बांझी टोला का रहने वाला भाकपा माओवादी संगठन का जोनल कमांडर और कुख्यात नक्सली रविंद्र गंजू लोहरदगा, गुमला और लातेहार पुलिस के लिए चुनौती बना हुआ है। इन तीनों जिलों में रविंद्र गंजू का दस्ता सक्रिय है। बता दें कि उसके दस्ते के साथ पुलिस की कई बार मुठभेड़ हो चुकी है। हर बार वह घने जंगल का फायदा उठाकर भागने में सफल रहता है। उसके दस्ते में करीब 15 से 20 लोग शामिल हैं। उसका दस्ता लेवी वसूलने के साथ साथ वाहनों में आग लगाकर दहशत फैलाने का भी काम करता है। बताते चलें कि बीती रात उसके दस्ते ने पुलिस कर्मियों पर हमला कर दिया था। इस हमले में एक ASI समेत 4 पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे। अब नजर डालते हैं आज की चौथी प्रमुख खबर पर। चुनाव आयोग ने सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी मृणाल कांति दास को झारखंड में विधानसभा चुनाव के लिए विशेष पुलिस पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। आयोग द्वारा शनिवार को जारी बयान के अनुसार 1977 बैच के सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी दास को झारखंड में नक्सली गतिविधियों की चुनौतियों से निपटते हुए चुनाव प्रक्रिया को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। वह शनिवार को ही चार्ज लेने पहुंच रहे हैं। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा ने यह जानकारी दी। अब नजर डालते हैं आज की पांचवी प्रमुख खबर पर। हाविमो ने शनिवार को प्रत्याशियों की पांचवी सूची जारी कर दी। पार्टी ने गिरिडीह से चुनुकांत को अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं जमुआ से चंद्रिका महता प्रत्याशी बनाए गए हैं। टुंडी से डॉक्टर सबा अहमद प्रत्याशी बनाए गए हैं। पार्टी की ओर से अब तक 62 विधानसभा क्षेत्रों के लिए प्रत्याशी घोषित किए जा चुके हैं। शनिवार को जारी सूची में 15 उम्मीदवारों का नाम जारी किया गया है। सूची इस प्रकार है। रामगढ़ से मोहम्मद आरिफ अहमद कुरैशी, बेरमो से राम किकर पांडे, देवघर से निर्मला भारती, गिरिडीह से चुनुकांत प्रसाद, धनबाद से सरोज सिंह,
झरिया से योगेंद्र यादव, टुंडी से डॉक्टर सबा अहमद, राजमहल से राजकुमार यादव, बोरियो से बाबूराम मुर्मू, बरहेट से होपन टुडू, लिटीपाड़ा से रसका हेम्ब्रोम, नाला से पुरपा सोरेन, जामताड़ा से अब्दुल मन्नान अंसारी, महेशपुर से शिवधन हेम्ब्रोम और जमुआ से चंद्रिका महता को प्रत्याशी बनाया गया है। अब नजर डालते हैं आज की छठी प्रमुख खबर पर। पूर्व आईपीएस अधिकारी और बीजेपी में हाल ही में शामिल हुए अरुण उरांव को पार्टी की अनुसूचित जनजाति मोर्चा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राम विचार नेताम ने उन्हें पत्र भेजकर सूचित किया है। 21 नवंबर को जारी हुए इस पत्र में साफ लिखा है कि अरुण उरांव अनुसूचित जनजाति मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी टीम में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष होंगे। इससे झारखण्ड भाजपा में हर्ष है। आज के आजाद सिपाही के प्राइम बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। और हाँ, आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जुड़े रहिए आजाद सिपाही के साथ। धन्यवाद।